राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रधान सचिव रहे वरिष्ठ आईएएस अधिकारी राजीव अरुण एक्का पर लगे आरोपों की जांच के लिए न्यायिक जांच आयोग का गठन किया है। सरकार ने झारखंड हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विनोद कुमार गुप्ता को न्यायिक जांच आयोग में नियुक्त किया है। साथ ही हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश की भी जांच आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाएगा। जांच आयोग सरकार को 6 महीने में अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। कार्मिक प्रशासनिक सुधार और राजभाषा विभाग की तरफ से इस संबंध में सोमवार को मेमो जारी किया है। राज्य सरकार ने इस मुद्दे को सार्वजनिक महत्व का मानते हुए एक संपूर्ण स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच की आवश्यकता महसूस की है, इस कारण जांच आयोग का गठन करने का फैसला लिया गया है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।